हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। राम मंदिर निर्माण में चंदा देने और मेट्रो मैन धीरन के बीजेपी ज्वाइन करने सहित तमाम मुद्दों पर दिया बयान। मथुरा की भीषण सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, 3 गंभीर, सीएम योगी ने हर संभव सहायता के लिए दिए निर्देश। बंदरों से बचने के लिए छत पर बांधा लंगूर, वन विभाग ने डाली रेड तो मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में शनिवार को दूसरे दलों में आए कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी कार्यालय में 3 पुस्तकों डिसीजन, संघ अदा के गाता चल, शीशा और पत्थर किताबों का विमोचन हुआ। इस दौरान सपा ने बीजेपी पर कई हमले किए। उन्होंने अपर्णा यादव द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे, श्रीधरन के बीजेपी ज्वाइन करने सहित तमाम मुद्दों पर बयान दिया। पार्टी ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस ऊषा मौर्य, जौनपुर से बसपा के तेज प्रताप मौर्य ने पार्टी ज्वाइन की। वहीं विजय प्रताप कुशवाहा, बरेली से सलोना कुशवाहा, चंदौली से बसपा के सुधाकर मौर्य, मजदूर यूनियन गाजियाबाद से बाबू सिंह आर्य ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इसी तरह से बसपा से वीरेंद्र सिंह, कृष्णा कुमार पाल, आजमगढ़ से कांग्रेस के डॉक्टर अभिषेक राय, गोंडा से बीजेपी की सौम्या पांडे, इलाहाबाद से कमल कुमार प्रजापति, शालिनी राकेश, रिटायर्ड ISP रामेश्वर दयाल ने सपा ज्वाइन की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार ओमनी कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में ओमनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 4 की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। पता चला कि ओमनी कार सवार बंदायू से बालाजी जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यातायात सुचारू कराया है। घटना थाना राया क्षेत्र के गाँव कोयल रेलवे फाटक के समीप हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को हर संभव सहायता के निर्देश भी दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में बंदर भगाने के लिए घर में लंगूर बांधना एक शख्स को भारी पड़ गया। वन विभाग की टीम शख्स के घर पहुंच गई। वन विभाग की टीम को देखकर लंगूर मालिक व एक और मकान मालिक फरार हो गए। मेरठ के DFO राजेश कुमार का कहना है कि दोनों के खिलाफ लंगूर बांधने को लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। DFO ने बताया कि लंगूर को शिवालिक वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। मेरठ के साकेत स्थित एक शख्स ने घर पर लंगूर बांध रखा था। बंदर ना आने को लेकर यह लंगूर बांधा गया था। घर में अवैध तरीके से लंगूर को बांधने पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने घर से लंगूर को छुड़ा लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की पुलिस ने अंजलि हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक प्रेमी हरिओम यादव को गिरफ्तार किया, जिसकी जुर्म की दास्तां सुनकर सब हैरान रह गए। मामला 13 जनवरी का है। प्रेमी हरिओम अपनी प्रेमिका अंजलि को लेकर घर से फरार हो गया, लेकिन हरिओम यादव ने 25 दिनों में ही अपनी प्रेमिका की खौफनाक हत्या कर उसके शव को जला डाला। प्रेमी की खौफनाक करतूत अब तक किसी को पता नहीं चल सकी थी, लेकिन 8 फरवरी को कॉडोर थाना इलाके में नदी किनारे कंकाल मिला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस वहां आने जाने लोगों की मोबाइल डिटेल कंगाली तो युवती का हत्यारा प्रेमी हरिओम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़।